तो फ्रेंड्स यूट्यूब पर हर एक दिन कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। आज की अपडेट तो कुछ बैड अपडेट है, क्योंकि दोस्तों कुछ यूट्यूबर को ये कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ये इस परेशानी आपसे आप कैसे निकल सकते हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप इस समझ सकते हैं, वरना आप नहीं समझ सकते। तो दोस्तों वीडियो को जरा सा मिस नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं एक अच्छी सी शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिंकू कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, और आप देख रहे हैं एमटेक सॉल्यूशन, क्योंकि ये एमटेक सॉल्यूशन पे हर एक सॉल्यूशन होता है और हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही मैं आप सभी के साथ सामने आता हूं, आपकी प्रॉब्लम भी जरूर सॉल्व होगी। दोस्तों दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ आपकी वीडियो से व्यूज कम आ रहे होंगे या सब्सक्राइब बहुत जल्दी गिरते डाउन होते चले जा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ये क्या परेशानी हो रही है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं फ्रेंड्स, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं, सिर्फ एक बग्स है, क्योंकि यूट्यूब भी एक नेटवर्क ही है, और नेटवर्क में कभी कभी जो होता है दोस्तों बग्स आ जाते हैं, यानी कभी 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 नेटवर्क को भी रिफ्रेश करने का टाइम चाहिए, और वो नेटवर्क जो है टाइम टाइम पे रिफ्रेशिंग भी करता है। रिफ्रेशिंग के दौरान जो होता है यूट्यूब कि कभी कभी सब्सक्राइबर कभी घटते हैं और कभी बढ़ते हैं, और हो सकता है कि आपके तो सब्सक्राइबर व्यूज भी घटने लगते हैं। तो आप अगर आप बड़े यूट्यूबर हैं तो आप इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचते, मगर एक छोटा यूट्यूबर जो होता है अगर उसके 10-50 व्यूज़ भी कम हो जाए तो वो सोचता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, सब्सक्राइबर कैसे कम हो रहे हैं, इस चीज़ में सोचता है और अलग अलग वेबसाइट को विजिट करने लगता है और सोचता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो मैं आपको सिर्फ क्लियर बता दूँ, ये सिर्फ बग्स है, ये एक घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, यह बैड अपडेट को लेकर आप टेंशन ना लें। आप अपने यूट्यूब पर काम करते रहो और यूट्यूब एल्गोरिदम के अनुसार ही काम करें और आपको अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ये सिर्फ एक परेशानी वाली कोई बड़ी बात नहीं है, बता क्लियर कर दूं दोस्तों, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पर एक बग्स चलता है, क्योंकि ये यूट्यूब एल्गोरिथम जो है वो भी एक रोबोट की तरह काम करता है, यानी कि उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो एक सिर्फ सॉफ्टवेयर है, उसमें भी कुछ गलती हो सकती है, उसमें भी कुछ बग्स आ सकती हैं। कभी कभी ये जो होता है कि हमारा जितना ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है इसमें कभी कभी वायरस भी होते हैं या कुछ अब परेशानी भी होती हैं, तो उसको कुछ टाइम पहले भी रिफ्रेश टाइम टाइम पर रिफ्रेश करते रहते हैं, और उसी दौरान जो होता है ये किसी के व्यूज़ घटते हैं और किसी के बढ़ने लगते हैं। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो आपके रियल व्यूज़ होंगे वो पहले से ही काउंट हो चुके होंगे। अगर आपके लगता है कि आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं और आपके व्यूज़ काउंटिंग बहुत कम दिखा रहा है तो घबराए नहीं दोस्तों, कुछ टाइम में ही जैसे ये रिफ्रेशिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपके व्यूज़ भी जितना आते थे उतने ही आएंगे। दोस्तों सोचा होगा जैसे पहले आपके किसी वीडियो पे 20,000-50,000 व्यूज आ रहे थे, अब 2,000 या 4,000 के ही या 2,000 व्यूज ही आ रहे हैं, तो ऐसे में आप सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ये एक सिर्फ बक्स है और इस बक्स को आप क्लियर कर लेंगे। यूट्यूब एल्गोरिथम को ज़्यादा समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप लक्ष्य पर काम करते रहें, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो वीडियो को जरूर देखने के लिए धन्य धन्यवाद, और मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, और आज की वीडियो से लेकर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अपना ध्यान रखें।